आप सुन लीजिए ना वो, अरे साहब जरा बोलने तो दीजिए, आप तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। मैं वैसे नहीं बोला, बात नहीं है, आप करिए सच बात करिए बस। मीडिया आप सुन लीजिए ना, मीडिया इस वीडियो के अंदर ये है कि अकबर मीडिया कांग्रेस को बात ही नहीं करने देती है साहब। नहीं ऐसा नहीं है साहब, ऐसा क्यों नहीं करने देंगे साहब, आपका तो राज रहा साहब 75 साल, तो आप बिल्कुल संभाला। हमने आप 75 साल राज रहा और मीडिया अकबरुद्दीन साहब की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि जो दोनों पार्टी को एक साथ दफन, नेशनल पार्टी को दफन करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी के साथ जहां जहां कांग्रेस जाएंगी मैं उनके पीछे जाके मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को दफन कर दूंगा। लो मेरी बात को खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मैं इनका पीछा मैं करूंगा, ताकुब मैं करूंगा, बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसा कि हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आया है। भूचाल किस तरीके का आया है कि जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे अशोक रावजी चव्हाण, वो 2 मरतबा मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उसके बाद में अभी ये देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, यानी कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। उसी के चलते आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू चालू है, चाहे एमआईएम आरोप करती है, वंचित बहुजन अघाड़ी आरोप करती है, हर तरफ से कहीं ना कहीं आरोप का बाजार गर्म है। उसी के चलते अब फिर मैं एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचा हूं जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के जिनको एक प्रवक्ता बनाया गया है। मेरे साथ में मसरूर सोहेल खान मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा आखिर क्या कांग्रेस पार्टी में अब महाराष्ट्र को संभालने के लिए बड़े चेहरे मौजूद है, अगर है तो कौन से चेहरे हैं और कौन से चेहरे सामने आने वाले हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको प्रवक्ता बनाया गया, कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको प्रवक्ता बनाया है। मेरा सीधा सवाल यह है, बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है इस वक्त, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बड़ा चेहरा हुआ करते थे, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 मरतबा मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में उनके जो फादर थे वो भी महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री रहे, बड़ा झटका लगा है। कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर अपना मकाम बनाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके आपने मुबारकबाद दी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपका जो पॉइंट है कि इन अशोक चव्हाण जी के जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 138 साल से इस देश का नेतृत्व कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है, लोगों के विचारधारा को समझ के उनके फैसले कर रही है। तो अशोक चव्हाण के जाने से या किसी के जाने से पार्टी नहीं रुकती है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, उनके जाने के बाद इंदिरा गांधी जी आए, उनके जाने के बाद राजीव गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अलग अलग लोगों ने इसके लिए काम किया है, हित के लिए काम किया है। मल्लिकार्जुन जी अभी काम कर रहे हैं। तो किसी के जाने या किसी के आने से पार्टी नहीं रुकती, पार्टी एक विचारधारा है जो देश के लोगों के हित का काम कर रही है। अच्छा सर, आपके आपके पास में महाराष्ट्र में बड़ा चेहरा कौन है जो उभरेगा, कांग्रेस को संभालेगा या लोगों के अंदर जाके छवि बनाएगा कि कांग्रेस अभी इस वक्त जिंदा है, कांग्रेस के साथ आपको आना चाहिए? जी बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे चेहरे हैं। अगर आप देख लेंगे तो नाना पटोले जी ने पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में इतना अच्छा काम किया कि पार्टी को मजबूत किया है। इनके अलावा बाड़ा साहब थोरात है जो एक बहुत बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, इसके अलावा वडट्टीवार जी है, इसके अलावा विश्वजीत कदम जी है और कई चेहरे है, अमित देशमुख जी है, बहुत सारे चेहरे है। चेहरों की कमी नहीं है, युवा जोश है जो लोकहित के काम कर रहे हैं, जो पार्टी के चवड़ी से ऊपर आए हैं, जिनको पता है कैसे काम करना चाहिए, पार्टी की विचारधारा क्या है। हम ये समझे जैसे कि भी शिवसेना है, राष्ट्रवादी है जी, दो हिस्से हो चुके हैं जी, तो हम ये समझे ऐसा माना जाए कि कांग्रेस के भी दो हिस्से होंगे, आपको लगता है ऐसा? क्या आप एक प्रवक्ता इसलिए सवाल आपको बनता है, ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के भी दो हिस्से हो जाए? जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के दो हिस्से होने का कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता है। अशोक चव्हाण जी ने जो पार्टी छोड़ा है इनका एक व्यक्तिगत फैसला था, इनके ऊपर आप 2014 के इलेक्शन के बाद आपने देखा है कि देश का माहौल किस तरह से बदला गया है, राजनीति ने किस तरह से अलग मोड़ लिया है, किस तरह गवर्नमेंट की एजेंसियों का फायदा उठाया जा रहा है, किस तरह ईडी पीछे लगाई जा रही है, किस तरह सीआईडी सीबीआई काम कर रही है, किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और जो पब्लिक नेता है, जो पार्टी के लोग है, उनको तोड़ने का काम आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों में किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। सर अभी एक जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि ईडी हो, सीआईडी हो, जो 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 आपने नाम गिनाए, अब महागठबंधन आपने बनाया है जी, उसमें महागठबंधन में सारे पार्टियों को अपनी जगह जमा जी बिल्कुल लिया है। मुझे लगता है सिर्फ बीजेपी को आपने साइड रखा है, बीजेपी, क्योंकि आप सब मिलकर ये आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे
जी हमारा की बात है जी राहुल गांधी। फिर आप एक सवाल मेरा ये है कि आप जो है मुस्लिम समाज को आप किस तरह से टर्न करेंगे, क्योंकि बड़ा तबका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है, एमआईएम की तरफ है, तो आप गठबंधन में एमआईएम को क्यों नहीं साथ लेते? आपने वंचित को ले लिया, आपने राष्ट्रवादी को ले लिया, दूसरी जो राष्ट्रवादी उसको ले लिया, आपने दूसरी कांग्रेस दूसरी जो है सॉरी शिवसेना को आप ठाकरे गट को आप ले रहे हैं, एमआईएम को साथ में लेकर महाबड़ा गठबंधन क्यों नहीं बना रहे आप? आपको किसने कहा कि आया एमआईएम को इन्विटेशन नहीं गया था या उनको साथ में आने के लिए दावतनामा नहीं दिया गया था? बिल्कुल दिया गया था, लेकिन असद साहब और इम्तियाजुल साहब मीटिंग में से उठकर चले गए वहां से, उनको भी साथ दिया साथ में लेने के लिए कहा गया था। और पहली बात तो वो मुसलमानों के बड़ा चेहरा या मुसलमानों के होलसेल लीडर वो अकेले नहीं है, कई कई मुसलमानों के लीडर्स आए जिन्होंने मुसलमानों का नेतृत्व किया, अंतुले साहब, इनके अलावा कई बड़े बड़े जो लीडर्स है जो देश है देश लेवल के ऊपर जिन्होंने मुसलमानों का नेतृत्व किया और मुसलमानों को फलाह बहबूदी के लिए काम किया है। दूसरी बात यह है, मैंने आपके चैनल पे एक इंटरव्यू देखा है कि एमआईएम ने किसी एक वकील को प्रवक्ता बनाई है और उनका कहना यह है कि हम बी टीम नहीं है, अशोक चव्हाण जी छोड़ के गए तो वो कांग्रेस बी टीम है करके। तो पहली बात तो मैं उनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि कोई उनका अशोक चव्हाण जी का एक व्यक्तिगत डिसीजन था, और जो पार्टी छोड़ के जाता है तो वो बी टीम नहीं होता है। पार्टी में रहकर अगर बीजेपी के लिए काम कर रहे तो उसको बी टीम बोला जाता है। जैसे कि अंबादास दानवे जी के इलेक्शन के अंदर पूरे 26 के 26 नगर सेवकों ने शिवसेना को वोट किया था, उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात की है, फ्लोर टेस्ट में अगर आप देखा बिहार के फ्लोर टेस्ट की बात की है उन्होंने, सबसे पहले तो उनको यह भी नहीं पता है कि 4 एमएलए एमआईएम के चुनकर आए थे जिसमें से 3 लोगों ने पार्टी छोड़ दिया है, एक ही एमएलए बचे हैं जो इंडिया अलायंस के आरजेडी के साथ में खड़े हुए हैं, उन्होंने उनके साथ में वो किया है। जबकि 2014 के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी अपनी बहुमत सिद्ध कर रहे थे, जब वारिस पठान जी और इम्तियाजुल साहब ने बाहर रहकर अब्सेंट रहकर फ्लोर टेस्ट को बहुमत दिलाया था और ये भी कहा था कि हम बीजेपी के साथ मिलकर औरंगाबाद शहर का विकास करेंगे। अच्छा। तो इसको बी टीम कहा जाता है। अच्छा। अगर आप कल उन्होंने एक और बात की है कि स्ट्रांग अपोजिशन की, अगर आप देखेंगे कि स्ट्रांग अपोजिशन 222 सांसद होकर वो जो नहीं बोल पा रहे, जो दो लोग 640 सवाल कर ले रहे, राहुल गांधी एक सवाल के ऊपर उनके सांसद को सांसद निलंबित किया जाता है, उनको घर से बेघर किया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, पार्लियामेंट की सुरक्षा का सवाल उठाने पे 152 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, जहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा है वहां पे 640 सवाल कैसे किए जा रहे हैं, इसको बी टीम बोला जाता है। अच्छा। अगर आप देखा जाएंगे संजय राउत जो बोलते हैं उनके घर पे रेड पड़ने पे सिर्फ 2 लाख रुपए उनके पास मिलने पे उनको ईडी अंदर कर देती है, 4 महीने 6 महीने अंदर कर देती है, और असद साहब शास्त्रीपुरम के अंदर 18 एकड़ पे 1000 करोड़ का मकान महल बनाते हैं तब ईडी की नजर नहीं पड़ती है, तो ये दोस्ताना क्या है, इसको बी टीम बोला जाता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये बी टीम हुई? जी चलो ठीक है। और उसके अलावा और मैंने चीज देखा कि लीडरशिप डेवलपमेंट की बात उन्होंने की कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, आसाम के अंदर हमने कैंडिडेट नहीं लड़ाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं हैदराबाद के अंदर जुबली हिल के अंदर अजहरुद्दीन जो पूरे देश का एक चेहरा है, मुसलमानों का एक चेहरा है, जिसको इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट डाल के उनको गिरा देते हैं, ये लीडरशिप डेवलपमेंट है? अगर शहर के मिसाल ले ली जाए तो जावेद कुरैशी जिन्होंने साहब ने जिन्होंने एमएम के फाउंडर है जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको एमएलए नहीं बनाया जाता है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट है क्या आपका ये मानना है? जी अच्छा ठीक है, चलिए ये बात आपने जैसी कही कि डेवलपमेंट की बात हुई या एमआईएम के खिलाफ जैसी आप बात कर रहे हैं, अभी जैसे गठबंधन की बात मैंने आपसे कही, गठबंधन में आप अगर ठीक है वो न्योता आपने उनको दिया वो उठ के चले गए, लेकिन आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं है एमआईएम के साथ? एमआईएम हमारे साथ में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अच्छा चलिए एमआईएम का ठीक है, चलिए एमआईएम का इशू हम लोग हटाते हैं कि एमआईएम आपके साथ आने तैयार नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस अपना किस तरह से पड़ाव जमा पाएगी, उसका क्या किस तरीके से नियोजन बनाएंगे आप? बिल्कुल, अगर आप सर्वे उठा के देख लेंगे तो 30 प्लस खासदार जो है तो महाविकास आघाड़ी के चुन के आ रहे हैं, उसी को देखते हुए ही आदर्श का मुद्दा उठाकर अशोक चव्हाण जी के ऊपर प्रेशर लाके उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर किया गया। कल प्रवक्ता ने बताया 5 से 6 मरतबा आदर्श का नाम लिए है,
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो किस आदर्श की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, आदर्श बैंक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें अभी तक कुछ इतने मूवमेंट करने के बाद भी अभी तक कुछ आदर्श नहीं हुआ। हाँ। जैसे आपने पिछले बार देखा होगा क्या गुटके का इश्यू उठाया था साहब ने, उसमें कुछ आदर्श हो गया और पूरा मुद्दा आदर्श हो गया। मौलाना आजाद बचाओ मुहिम चालू हुई उसमें कुछ आदर्श हुआ और मुद्दा पूरा आदर्श हो गया। देशी दारू का मुद्दा उठा वो आदर्श हो गया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा वो आदर्श हो गया। ठीक है मौलाना, सुनिए ना मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए साहब। मौलाना आजाद का इशू, कॉलेज का इशू जो उठा मौलाना आजाद कॉलेज बचाओ वो आदर्श हो गया, वाटर यूटिलिटी का मुद्दा आया वो आदर्श हो गया। तो ये आदर्श बोले तो ये अशोक चौहान जी के उसमें जाकर ये भी आदर्श होना चाहते हैं क्या? एक बात बताता हूँ आपको, अभी 25 सालों से मुस्लिम क़यादत या मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पर नहीं थी, ये आप बात मानते हैं अच्छे से? अब आप अगर एक मुस्लिम चेहरा अगर खासदार बनता है या अगर लोग उसको पसंद करते हैं, आने वाले वक्तों में लोग चाहते हैं कि वो खासदार रहे, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? जी बिल्कुल हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी जो तो और हमारी विचारधारा तो तकलीफ नहीं है तो फिर आप सेकुलर, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, हम किसी एक तो समाज इमाम सेकुलर जैसे इम्तियाज जलील या असदुद्दीन ओवैसी सेकुलर लोग नहीं है। अगर सेकुलर तो बहुत दूर की बात, अगर ये मुसलमानों के भी होते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अच्छा, सेकुलर कैसे नहीं है? इन्होंने मुसलमानों का सेकुलर कैसे नहीं है? ये धनगर आरक्षण मांग रहे हैं लेकिन ये मुसलमानों के लिए आरक्षण सेकुलर कैसे नहीं है ये बताइए आप। अगर आदर्श घोटाले में हिंदू समाज के साथ इम्तियाज जलील अगर खड़े हैं तो क्या वो सेकुलर है? पहली बात तो एक सेकुलर नहीं है कि पहली बात तो हम आपको एक बात बता देता हूँ, मैं मेरी बात का जवाब दीजिए, सुन तो लीजिए। आदर्श घोटाले के अंदर अगर इम्तियाज जलील नॉन मुस्लिम के साथ खड़े हैं तो क्या वो सेकुलर नहीं है? आदर्श घोटाला आपको दिखाई दे रहा है, आपको लेबर कॉलोनी के लोगों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? इम्तियाज जलील नहीं गए थे, कहाँ गए थे? अगर अगर सुन लीजिए, अगर कभी अगर इम्तियाज जलील वहां पे गए थे तो फिर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? किसको? लोगों को घर क्यों नहीं मिले? 400 लोग हर जगह, कई जगह ऐसा होता है जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं वहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग वोट जा रहे हैं, लोगों ने विश्वास करके वोट दिया है। अच्छा, तो औरंगाबाद की जनता ने विश्वास करके वोट दिया। इम्तियाज जलील जा गए वहां इंसाफ मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए नहीं, लेकिन एमपी का जो ताकत होती है, एक आम नागरिक से ज्यादा ताकत होती है, उसकी बात सुनी जाती है, पार्लियामेंट में रखी जाती है, उसको वो कानून बनता है। अगर इम्तियाज जलील चाहते तो बिल्कुल लेबर कॉलोनी के अंदर, आज देख लीजिए आप, 2 साल से 400 परिवार बेघर हो गए। आपने एक बात और कही कि जो मुसलमानों की नहीं है वो तो मतलब सेकुलर क्या होंगे? आपको क्या लग रहा है ऐसे मुसलमानों की नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, धनगर आरक्षण के लिए बात की गई है, मुस्लिम आरक्षण के लिए नहीं गई, कहां बात की गई मुस्लिम? लास्ट टाइम का वीडियो मैंने देखा हूं, मेरे ख्याल से मेरे सामने आया, आपके सामने नहीं आया। मुस्लिम आरक्षण का केस डाल के वापस ले लिया गया, किसी बोले पे? अभी पार्लियामेंट में लास्ट जो अभी सेशन हुआ, इसमें इम्तियाज जलील ने कहा कि मुसलमानों को अब आरक्षण से दूर नहीं रख सकते। बिल्कुल, मुसलमान उनका काम है ये बोलना, बोल लो इनको। अरे आप दोनों तरफ से चल रहे, आप बोल रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे, आप बोलते हैं कि वो बोलना काम है, मतलब भाई साहब अगर कभी इम्तियाज जलील साहब आपका कैसा है सर? मुझे ऐसा लग रहा है बात करके साइकिल पे से गिरे तो मुझे यही उतरना था। इस तरीके का कांग्रेस को तो हाल हो चुका है इस वक्त? बिल्कुल भी नहीं हाल होता है, कांग्रेस हमेशा लोक हित की बात करती है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ने ठीक है ये सारे इशू दूर रखिए, आप बताइए कितने खासदार ला रहे हैं महाराष्ट्र से आप इस बार? बिल्कुल 30+ लेंगे महाविकास आघाड़ी खासदार। कितनी जगह छूटेंगी क्या आपको पहले? महाविकास आघाड़ी ला रहे हैं आपको कितनी जगह? आप कितनी जगह मांग रहे हैं? जो वो तो ऊपर लेवल पे, आपको प्रवक्ता आपको तो पता होना चाहिए, ऊपर के लेवल पे अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, जो फाइनल होगा उसके ऊपर जो तो आप जहां आपको जगह छूटेगी। अच्छा, यहां औरंगाबाद में अगर आपको जगह मिल रही है, मांग रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे शहर अध्यक्ष यूसुफ साहब और हमारे जिला अध्यक्ष कल्याण गाड़े जी ने इसके लिए मांग की है और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अगर आपको जगह छूट जाती है तो मुस्लिम समाज को आप टिकट देंगे क्या? मुस्लिम चेहरे को? चलिए इम्तियाज जलील से आपको आपत्ति है, असदुद्दीन ओवैसी से है जी, इम्तियाज जलील के जैसा कोई चेहरा है आपके पास अभी औरंगाबाद में मुस्लिम चेहरा? अगर कभी औरंगाबाद से मुस्लिम अगर कांग्रेस को टिकट छूटता है तो इंशाल्लाह हमारे पास ना मुस्लिम चेहरा आ जाएगा। इतना बड़ा है? हाँ बिल्कुल है। आपका तो अभी फिलहाल यह हाल है कि कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं तो फिर मुस्लिम समाज इतना बड़ा? अशोक राव चव्हाण चले गए, उनके साथ कई लोग जाएंगे अभी? नहीं, अशोक राव चव्हाण का आप स्टेटमेंट देखिए और आप वो भी देखिए कि उन्होंने अकेले ने सदस्य लिए, उनके साथ कोई नहीं गया है। चलिए महाराष्ट्र, और उन्होंने जाते टाइम पे यही बोला था पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद विधानसभा की जब इलेक्शन होगा जी, इस बार सरकार किसकी बन रही है आपको क्या अभी क्या मतलब? 100% महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। महाविकास आघाड़ी मतलब ये है कि महाविकास आघाड़ी में ही आप रहेंगे तो आपको लगता है कि आपकी आज की स्थिति ये है कि हम महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ रहे हैं तो आज के डेट में ये बोलना गलत रहेगा कि आगे के डिसीजन अगर नहीं हो। सर एक मेरा ऐसा सवाल है आपसे, जैसे कि कुछ साल पहले 2014 से पहले मैं जब सुना करता था
तो मैं अक्सर एक चीज देखा करता था कि कांग्रेस को किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज आज भी कांग्रेस को किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन और पोलराइज करना नहीं चाहते हैं, बीजेपी के टेम्पो को तोड़ना चाहते हैं। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, जब वोट आप बांटना नहीं चाह रहे हैं तो आप क्यों किसी पार्टी को छोड़ के आप कैसे काम कर रहे हैं? आपने वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में लिया है, आपने सब लोगों को साथ में लिया है, तो फिर ईमान को क्यों छोड़ रहे हैं आप? मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम सारे हमारे साथ है। बिल्कुल है, आप देखिए कांग्रेस सबसे पहले तो 2014 के बाद में औरंगाबाद हो या महाराष्ट्र में हो, हर जगह एमआईएम ने ये किया है कि बड़ा वोट बैंक अपना बनाया है। अब आप इसको आप नकार नहीं सकते, क्यों नकार नहीं सकते? मालेगांव में वो जीते हैं, धुलिया में वो जीते हैं, औरंगाबाद पहले उन्हें जीते हैं, औरंगाबाद में क्यों नहीं जीते? मतलब आप खासदार बन गया ना, सुनिए ना, सुनिए ना, जब यहाँ पर एक एक नगर सेवक नहीं था तो यहाँ पे एमएलए चुन के आए, उसके बाद 26 नगर सेवक, एक खासदार होने के बाद में एक आमदार चुना के नहीं ला रहे, तो इसका मतलब वो लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे। चुना के नहीं ला रहे मतलब चुना के नहीं ला रहे ना? अच्छा, तो लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे ना, जो लीडरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीडरशिप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये तो मुस्लिम लीडरशिप घटा रहे हैं। तो सर फिर आप उनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो हमारी फिक्र कर रहे हैं, आप उनकी फिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं हम किसी की फिक्र नहीं कर रहे, उनके प्रवक्ता ने कल जो बात कही है, मैं वो सर जैसे मैंने एक मिनट साहब जरा मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप 2014 का इलेक्शन देख लेंगे तो उनके पूर्व के उनके कैंडिडेट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब एक अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत अच्छे है, मैं जानता हूं उनको। पहले इलेक्शन में 60,000 वोट लिए, दूसरी बार संधि मिली तो 80,000 वोट लिए। वो इंसान जीत सकता था, पूरे नगर से घर पे बैठे हुए थे, किसके इशारे पे बैठे? ये खुद लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं करना चाहते ना। अच्छा। और जहां तक आप सेकुलर जमात के ये सेकुलर करके आप बता रहे हैं, तो अगर अकबरुद्दीन अवेजी साहब की अगर वीडियो उठा के देखेंगे तो इन्होंने तो कहा है कि मैं मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा। मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस की वीडियो आपके पास कहां है? यूट्यूब के अंदर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, कांग्रेस साथ मिलकर ऐसा कहा, मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो सुन लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने सुन लिया, मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस, जहां जहां कांग्रेस जाएंगे मैं पीछे पीछे जाऊंगा और कांग्रेस मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा। तो ऐसे आप सुन लीजिए, अरे साहब जरा बोलने तो दीजिए, आप तो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। बात नहीं है, मीडिया सच बात करिए, मीडिया आप सुन लीजिए ना, मीडिया वीडियो के अंदर ये है कि मीडिया कांग्रेस को बात ही नहीं करने देती है साहब। नहीं ऐसा नहीं है साहब, ऐसा क्यों नहीं करने देंगे साहब? आपका तो राज रहा था 75 साल, तो आप बिल्कुल संभाला। हमने आप 75 साल राज रहा और मीडिया का जो तीसरा स्तंभ है इनको हमने पूरा फ्रीडम दिए थे सवाल करने का, चौथा स्तंभ राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया आपको, पूछने का अधिकार दिए। जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे लगता है शायद मेरे भी कान पे वो वीडियो आई है, उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस को और मोदी को साथ दफन कर दूंगा, यानी कि दोनों को मिला के दफन। अकबरुद्दीन साहब की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है कि जो दोनों पार्टी को एक साथ दफन, नेशनल पार्टी को दफन करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं मोदी के साथ, जहां जहां कांग्रेस जाएंगी मैं उनके पीछे जाके मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को दफन कर दूंगा। चलिए ठीक है, आपके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगा, फिर से हम लोग आपके साथ जरूर मिलेंगे। ये थे मसरूर सुहेल खान, जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अभी बहुत बड़ा काम बाकी है, कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आने वाली है, किसी एक के जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं खत्म होगी। जैसे इन्होंने नाम गिनाया, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उसके अलावा प्रियंका गांधी है, अभी चेहरे बहुत बाकी है इनके पास में। इनका ये कहना है कि हमारी सीटें बढ़ने की वजह थी, इसलिए कि ये षड्यंत्र रचा गया। अब आने वाले वक्तों में ये देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपना किस तरह से जमा बना पाएगी। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।